मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। इसका शीर्षक है वर्ण एवं मात्राएं। वर्ण एवं मात्राओं के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और व्यंजन के तीन भेद में से पहला भेद तक पढ़े हैं। इसलिए चलिए आज हम लोग व्यंजन के भेद में से दूसरा भेद से शुरू करेंगे। अंतर व्यंजन। सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि अंतरस्थ का अर्थ क्या है। अंतरस्थ अर्थात अंदर, भीतर या बीच। तो अंतरस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का सब होता है उन्हें अंतरस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी इसका उच्चारण ना स्वर के समान होता है और ना व्यंजन के समान, इसलिए इसको कहा गया है बीच का सा होता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी अंग का स्पर्श नहीं करता है। ये चार अंतरस्थ व्यंजन चार हैं, वो इस तरह से है या र ल व। व्यंजन का तीसरा भेद। तीसरा भेद में उसमें व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलते समय वायु रगड़ खाते हुए मुख से बाहर निकलती है तो इससे उष्मा पैदा होती है, इसलिए उन व्यंजनों को उसमें व्यंजन कहते हैं। ये भी चार हैं और वो इस प्रकार से है तलव्यश मूलदंतश स और हा। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से जो ध्वनि है वो रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है जिससे उष्मा पैदा होता है, इसलिए इसे उष्म व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। आगे हम लोग देखेंगे अयो वा। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन उन्हें अयो वा कहते हैं। ये इस प्रकार से है अं अ तथा अ, इसी प्रकार के वर्ण हैं। इनका स्थान स्वर के बाद तथा व्यंजन से ठीक पहले माना जाता है। जैसे हम लोग एक उदाहरण देखेंगे रंग। इसमें अनुस्वर लगा हुआ है रंग शब्द में, तो इसका हम लोग जैसे वर्ण विच्छेद करेंगे तो र हलन जोड़ अ जोड़ अंग यानि अनुस्वर का उच्चारण जोड़ ग हलन जोड़ आ। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि अनुस्वर का उच्चारण कहाँ पर आया है, इसका स्थान। इससे पहले ये स्वर है और इसके जस्ट बाद हम देखेंगे तो ये व्यंजन है, इसलिए इन्हें कहा गया है अयोग वा। ना ही स्वर में आता है और ना ही व्यंजन में। इसको हम लोग इस प्रकार से देखेंगे अंग। इसको अनुस्वर भी कहते हैं। इसका चिन्ह इस प्रकार से है, यानी किसी भी वर्ण या व्यंजन के ठीक ऊपर बिंदु लगता है। जैसे कंस हंस संगीत पंखा, उसी प्रकार से हम लोग चंद्र बिंदु को देखेंगे अ। इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। इस ध्वनि का उच्चारण मुख तथा नाक की सहायता से होती है। जैसे आँख सांप पांच ऊँट। अब आगे हम लोग
देखेंगे। अ को विसर्ग कहते हैं, इसका चिन्ह दो बिंदु ऊपर नीचे इस तरह से होता है। इसका उच्चारण हा को हल्का सा झटका देकर किया जाता है, जैसे दुख, नमः, प्रतः। हा को हल्का सा झटका देकर किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों की योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या चार है, अस, त्र, या और स्र। अब इसके बाद उच्चिक्त व्यंजन, इन्हें अन्य व्यंजन भी कहा जाता है। ये इस प्रकार से है, ड, ढ, इन्हें उच्चिक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे घोड़ा, गाड़ी, सीढ़ी, पढ़ना, इन्हें उच्चिक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हलन। हलन ये व्यंजन वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा खींची जाती है, उन्हें हलन कहते हैं, जैसे क हलन, ख हलन, ग हलन। यदि इस प्रकार से व्यंजन लिखा जाता है, इसका मतलब यह है कि ये स्वर रहित है, यानी इसमें स्वर की सहायता नहीं ली गई है, उन्हें हलन कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मात्राएं। व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्राएं कहते हैं या मात्रा कहते हैं। इन्हें अलग से लिखा नहीं जाता है। यहाँ हम लोग देखेंगे स्वर, उनकी मात्राएं और व्यंजन। स्वर है अ, अ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक नीचे इनकी मात्राएं लिखी गई है। अ की मात्रा नहीं है, आ की मात्रा इस प्रकार से लिखी जाती है, ई की मात्रा उसी तरह से, ये बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ए ओ की मात्रा और औ की मात्रा। और यहाँ हम लोग जस्ट नीचे देखेंगे स्वर के साथ व्यंजन की, व्यंजन को मात्रा सहित, मात्रा के साथ, जैसे आ की मात्रा हम का व्यंजन में लगा दिए तो इस प्रकार से बनता है। उसी तरह से छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, का में हम मिला देते हैं तो इस तरह से बनता है। आगे हम देखेंगे व्यंजन के साथ स्वरों के मेल से बने शब्द। का हलन जोड़ आ जोड़ मा, हलन जोड़ आ जोड़ ल, हलन जोड़ आ बराबर कमल। उसी तरह से गा हलन जोड़ आ जोड़ मा, हलन जोड़ आ जोड़ ला, हलन जोड़ आ बराबर गमला। मा हलन जोड़ ओ जोड़ रा, हलन जोड़ आ बराबर मोर। इस तरह से हमारा यह वर्ण और मात्राएं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।